कैसे हैं आप? आज हम आठवीं कक्षा के छठे पाठ दहन और ज्वाला उसके दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद है इसका पहला भाग आप देख चुके होंगे। पाठ्य पुस्तक में से भी आप स्वयं पाठन करके प्रमुख जानकारियां समझ सकते हैं। यह पाठ बहुत ही सरल और रोचक है और यह हमारे दैनिक जीवन का बहुत उपयोगी पाठ है। तो प्यारे बच्चों, हमने सीखा दहन एक रासायनिक क्रिया है। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है उसे दहन कहा जाता है और यह दहन की स्थिति पदार्थ स्वतः भी प्राप्त कर सकता है और वह किसी माध्यम से ज्वलनांक यानी ऐसा ताप जिस पर उसका दहन आरंभ होता है वह प्राप्त करके भी आरंभ कर सकता है। ज्वलनांक के बारे में भी हमने जाना। ज्वलनांक क्या है? किसी भी पदार्थ का ऐसा तापमान जिस पर वह जलना आरंभ करता है ज्वलनांक कहलाता है। हमने पदार्थ के दहन की मूल आवश्यकताओं के बारे में भी जाना। पदार्थ के दहन के लिए स्वयं ज्वलनशील पदार्थ दाह्य पदार्थ यानी ईंधन होना आवश्यक है, वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक है और तीसरा प्रमुख बिंदु था ज्वलन ताप। तीनों जब स्थितियां होंगी तभी किसी पदार्थ में दहन की क्रिया आरंभ होती है। तो ज्वलनांक के बारे में आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। प्यारे बच्चों, देखिए मेरे पास यह एक मोमबत्ती है। मोम एक दाह्य पदार्थ है, यह हम जान चुके हैं और मैं इसमें इसका ज्वलन आरंभ करता हूँ, मोमबत्ती को दीप्त करता हूँ इस माचिस के सहयोग से। और देखिएगा माचिस का प्रयोग, प्यारे बच्चों आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी क्रियाकलाप गतिविधियाँ आपको बताई समझाई करवाई जाती हैं वो बिना अपने कक्षा अध्यापक के निर्देश के, उनकी अनुमति के, उनके सहयोग के नहीं करने चाहिए। और देखिएगा यह ज्वलन ताप तीली ने प्राप्त किया और इस तीली का ज्वलन ताप मैं यहाँ पर हमारा मोम प्राप्त करके यह दीप्त हो उठी है। मोमबत्ती की ज्वाला की तरफ ध्यान देंगे। प्यारे बच्चों, ये जलती हुई सुलगती हुई तीली हमें बहुत सावधानी से ऐसे स्थान पर रखनी है जहाँ पर यह कहीं और किसी अनावश्यक चीज़ में दहन आरंभ न कर दे, आग न लगा दे। प्यारे बच्चों, आग लगने की अधिकांश घटनाएं मानवीय भूलों का परिणाम होती हैं, इसलिए हमें सावधानी रखनी चाहिए। प्यारे बच्चों, यह मोमबत्ती दीप्त हो चुकी है, जल चुकी है। इसकी ज्वाला देखेंगे किस प्रकार की चमकती हुई है। और देखिए ज्वलनांक के बारे में प्रयोग करेंगे। हमारा कागज़, कागज़ का दहन हमने पहले भी किया था। प्यारे बच्चों, कागज़ का दहन जब भी करना हो तो खराब अनुपयोगी कागज़ का करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कागज़ की बचत भी करते हैं तो भी हम पर्यावरण को बचाते हैं। क्यों? क्योंकि कागज़ पेड़ पौधों से बनता है। तो देखिएगा एक रफ कागज़ की पट्टी मैंने ली, कागज़ का टुकड़ा, और देखिएगा यह कितना दाह्य है। एक बार पास ले जाते ही इसका भी दहन आरंभ हो गया। इसका ज्वलनांक इतना कम है कि तेज़ी से जलने लग जाता है और इसको भी सावधानी से रख देंगे ताकि यह कहीं और दीप्त न कर दे। अब देखिएगा कागज़ का ज्वलनांक कितना कम है कि केवल एक बार मोमबत्ती की ज्वाला के पास ले जाते ही इसमें दहन आरंभ हो गया। यही मोमबत्ती की ज्वाला। अब इसी प्रयोग को मैं दूसरी तरह से करता हूँ। देखिएगा मेरे पास जिस कागज़ का वो टुकड़ा था वही कागज़ है, एक एल्यूमिनियम लोहे या स्टील का पाइप, इसके ऊपर मैं इस कागज़ को लपेटता हूँ या कागज़ का छोटा टुकड़ा लपेट सकते हैं, पट्टी लपेट सकते हैं। और देखिएगा हमने अभी अभी मोमबत्ती की ज्वाला के पास कागज़ लेकर के गए और कुछ ही क्षणों में उसका दहन आरंभ हो गया। अब वही कागज़
अगर उसको हम लोहे के पाइप, लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम किसी उसके ऊपर लपेट करके उसी ज्वाला के पास लेकर के जाते हैं, देखिएगा दहन आरंभ नहीं हुआ, केवल काला हो रहा है। इसको हम फिर करते हैं और ये भी देखिएगा ज्वाला के पास, लेकिन इसका बिल्कुल भी दहन आरंभ नहीं हो रहा है। ऐसा कारण क्यों है? यह काला हो रहा है लेकिन दहन आरंभ नहीं हो रहा, दहन आरंभ नहीं हो रहा। इसका कारण पता है क्या है बच्चों? कागज को अगर हम इससे उतार लें और फिर उसी ज्वाला के पास लेकर के जाएं तो ये वही कागज है, देखिएगा दहन आरंभ। और इसी को मैंने जब लोहे के पाइप के ऊपर लपेटा तो दहन आरंभ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कागज का दहन आरंभ करने के लिए जो ज्वलन ताप चाहिए था वह यह कागज नहीं प्राप्त कर पाया। कारण क्या हुआ? मोमबत्ती की ज्वाला से जो गर्मी, जो ऊष्मा, जो निश्चित तापमान कागज को मिलना चाहिए था वह कागज तक आ रहा है लेकिन वह आगे इस धातु के पाइप के अंदर जा रहा है, तो जो निश्चित तापमान ज्वलनांक के लिए इसको चाहिए था वह नहीं हो पाया, इसीलिए इसका दहन नहीं हुआ। इसी प्रकार का एक और प्रयोग करते हैं और बड़ा ही रोचक प्रयोग है। हम कागज के अंदर क्या पानी को उबाल सकते हैं? आग के ऊपर रखेंगे, ज्वाला के ऊपर रखेंगे और देखिएगा, करके देखते हैं, आइए मेरे साथ। मेरे पास ये एक सामान्य कागज है, वही कागज जिसका ज्वलनांक इतना कम है कि एक बार ज्वाला के पास ले जाते ही जल पड़ता है। मैं इसका इस तरह से चार तय की, मैंने इस तरह से इसकी चार तय की, तीन तय एक तरफ और एक तय एक तरफ, इस तरह से इसका कप बना सकता हूँ और इस कप के अंदर पानी डालेंगे। कप ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से छन्ने कागज का, फिल्टर पेपर का हम बनाते थे। कोई भी कागज लिया, कागज की चार तय की और चार तय करके तीन एक तरफ और एक एक तरफ, या जब कभी बाजार में जाते हैं हम चने खरीदते हैं तो वो कैसे बनाते हैं कप, इसी तरह से ऐसे भी कर सकते हैं आप, देखिएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, कागज के चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा मोड़ा किनारियां, और किनारियां मोड़ करके देखिएगा एक वर्ग का आकार हो गया और इन चारों बाजुओं को हम उठा देते हैं और ये एक तरह से टब की तरह से हो जाएगा और इसको हम स्टेपल से पिन लगा करके भी बना सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर स्टेपल कर दिया ताकि ये तय खुले नहीं, और यहाँ पर ये स्टेपल कर दिया, यहाँ पर ये स्टेपल कर दिया, इसमें से पानी निकलेगा नहीं। और आप इसके लिए डिस्पोजल ग्लास भी ले सकते हैं जो कागज़ के बने होते हैं, देखिए एक टब नुमा आकृति बन गई। और इसके अंदर हम ये पानी, ये मैंने इसके अंदर पानी डाल लिया और अब इसको मैं एक तिपाई पर रखकर नीचे मोमबत्ती की ज्वाला या बर्नर के ऊपर गर्म करता हूँ। यह मोमबत्ती की ज्वाला देखिएगा जल रही है और इसके ऊपर मैं रखता हूँ हमारा ये पानी का कागज का कप और देखिएगा ये ज्वाला नीचे जल रही है और कागज नहीं जलेगा। और कारण क्या है? वही, क्योंकि कागज का ज्वलनांक ताप कागज प्राप्त नहीं कर पाता। जो ऊष्मा मोमबत्ती की ज्वाला से कागज तक पहुंचती है वह पानी में स्थानांतरित हो जाती है और देखिएगा हमारा पानी गर्म होने लगा है नीचे से और पानी के बुलबुले भी इसमें स्पष्ट देखे जा सकते हैं। जैसे ही पानी गर्म होना आरंभ करता है
उससे नीचे से बुलबुले वायु के कण ऊपर आने शुरू होते हैं और संवहन की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने कागज के कप में पानी गर्म करना देखा और इसको थोड़ी देर में देखिएगा भाप भी निकलनी आरंभ हो जाएंगी। प्यारे बच्चों, जैसे हमने जाना दहन मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी क्रिया है, लेकिन जो चीज़, जो वस्तु, जो क्रिया जितनी उपयोगी होती है, जितनी सुविधाजनक होती है, वह हमारे लिए अगर उचित उपयोग न किया जाए तो वह हानिकारक भी हो सकती है, नुकसानदायक भी हो सकती है। दहन यानी अग्नि भी हमारे लिए इसी प्रकार से कई बार बहुत हानिकारक सिद्ध होती है। प्यारे बच्चों, अग्नि से संबंधित, दहन से संबंधित दुर्घटनाओं के कारण हमारे देश में हजारों व्यक्ति प्रति वर्ष अपनी जान गंवाते हैं और करोड़ों की संपत्ति आग में स्वाहा हो जाती है। और यह दहन की कमी नहीं है, कहीं ना कहीं मानवीय भूलों के कारण होता है। प्यारे बच्चों, जब भी हम दहन का या अग्नि संबंधित कोई भी काम करें तो हमें उसका उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जैसे पहले भी बताया कि हमारी अग्नि की क्रियाएं किस प्रकार से होती हैं, हम कहीं भी दिया सलाई जलाएं तो उसकी तीली को जलती हुई न फेंकें, उसे पूरा बुझ जाने दें। हम चूल्हे के अंदर, आग के अंदर कहीं भी लकड़ी उपले कोई भी दाह्य पदार्थ, उसका पूरा ध्यान रखें। अगर हम विद्युत उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ भी स्पार्किंग के कारण, आपस में तारों की चिंगारियों के कारण कई बार आग की दुर्घटनाएं होती हैं। रसोई के अंदर गैस की ज्वाला का प्रयोग करते हुए, पेट्रोल डीजल के साथ काम करते हुए, केरोसिन तेल के स्टोव पे काम करते हुए भी हमें इसी प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए। ऐसे स्थानों पर हमें रेशमी कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उनके अतिरिक्त और कोई दाह्य पदार्थ, विशेषकर किसी भी धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को पास नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि न केवल उसकी जान को अपितु अन्य काम करने वाले व्यक्तियों की जान को भी इससे खतरा हो सकता है। प्यारे बच्चों, हमें हमारे आसपास बड़े भवन जो भी हों, सामुदायिक भवन हो सकते हैं, अस्पताल हो सकते हैं, स्कूल हो सकते हैं, या अन्य किसी प्रकार के सामुदायिक गतिविधियों के केंद्र, धर्मशाला, सिनेमा हॉल, वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए सरकार ने नियम बनाए हैं। हमें भी, क्योंकि हमें एक नागरिक के रूप में वहाँ उनके उपयोग के लिए जाना होता है, तो वहाँ भी हमें आपातकालीन स्थितियों के और उपकरणों के उपयोग के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित होना चाहिए। ऐसे स्थानों पर भवन के अंदर आपात निकास के मार्ग के चित्र लगे होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। हम यदि उन भवनों के अंदर बैठे हैं तो ऐसी आपात स्थितियों में उस मानचित्र को ध्यान में रखना चाहिए। वो हमें आपात स्थितियों में निकासी का मार्ग दर्शाते हैं। ऐसे भवनों में प्रायः पानी के छिड़काव की व्यवस्था के पाइप भी लगे होते हैं। अगर कोई ऐसी स्थिति आए तो उसके साथ में आपको एक स्विच मिलेगा, उस स्विच को ऑन करें, पानी के फव्वारे आने शुरू हो जाएंगे और जहां वो पदार्थ जल रहा हो उसके ऊपर उसको छोड़ना चाहिए और अपनी तथा अन्य लोगों की जान माल की रक्षा करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, हमें वहाँ पर, ऐसे स्थानों पर अग्निशामक यंत्र भी लगे हुए दिखाई देंगे। आपके विद्यालय की विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर कक्ष, कार्यालय में आप इनको देख सकते हो। वो लगभग इस प्रकार के होते हैं, ये देखिएगा, इनके अंदर आप देखेंगे, इनका उपयोग भी हमें आना चाहिए। इसमें देखेंगे, ये एक ये पाइप है, यह निकास नली है और यहाँ पर इसके एक स्विच है और लोक लगा हुआ है, ये पीला लोक। इसके पास एक और लोक लगाया गया है। इसको ऑन करने के लिए पहले हमें यहाँ पर जो ये लोक है इसको तोड़कर, हल्के हाथ से इसको तोड़ा जा सकता है,
तोड़ते ही इसका ये निकलेगा, इसका लोक, एक हमारा ये ठोस लोक लगा रखा ताकि ये न दबे, क्योंकि इसको दबाकर ही यह आरंभ किया जा सकता है। इस लोक को तोड़कर हम इस पत्ती को निकालेंगे, ये देखिएगा ये क्लिप, इस क्लिप को निकालेंगे तो हमारा ये निकल जाएगा। और निकलने के बाद की स्थिति होगी इसकी, निकलने के बाद यहाँ सर, यहाँ से जो पीला था ठोस, इस स्विच को दबाया न जा सके, उसको रोकने के लिए अवरोधक लगाया हुआ था, उसको निकालने के बाद इसको हम दबाएंगे। यदि इसके नीचे ये जो दबाने वाली पत्ती है, यह है यहाँ पर अग्निशामक गैस के निकालने के लिए वह क्रिया को शुरू करती है, और इसके नीचे एक स्विच लगा हुआ है जो उस प्रक्रिया को आरंभ करेगा। यदि किसी कारण से हम हाथ से उसको न दबा पाए तो इसको हम ऐसे करके जमीन पर भी झटके से मार सकते हैं, और जहां पर आग लगी हो उस तरफ इसको हम करेंगे, तो इससे निकलने वाली गैस झाग जो होगी वो हमारी जो दाह्य पदार्थ है उसके ऊपर कंबल की तरह से आवरण बना लेगी और उसको बुझा सकती है। इसे अग्निशामक यंत्र कहते हैं। यह किस सिद्धांत पर काम करता है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। अग्निशामक यंत्र की कार्य विधि समझने के लिए हम एक साधारण सा प्रयोग करते हैं। देखिए, मेरे पास जार में ये दो मोमबत्तियां हैं और ये इस प्रकार से लगाई गई हैं कि एक छोटी एक बड़ी, देखिए, और ये दीप्त नहीं है, तीसरी मोमबत्ती दीप्त जल रही है, और ये देखिएगा एक सामान्य रसोई में प्रयोग किया जाने वाला सिरका, ये सिरका, और ये हमारा बेकिंग सोडा जो रसोई में इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए देखिए, दोनों मोमबत्तियाँ, इसमें एक मोमबत्ती छोटी ठोस आधार पर रखी है, इसलिए ताकि जब प्रक्रिया हो गैस के बुलबुले उठें तो यह उनके प्रवाह में गिर न जाए। देखिएगा, मैं इनको दीप्त करता हूँ। देखिए, तीसरी मोमबत्ती की सहायता से इनको ये मोमबत्तियाँ शुरू हो गई। दो मोमबत्तियाँ आसानी से जल रही हैं। अब मैं इस बीकर में इस बोतल से कुछ सिरका डाल देता हूँ। ये देखिए, मैंने कुछ सिरका इसमें बीकर में डाल दिया, और देखिएगा नीचे सतह तक ये सिरका आप देख रहे होंगे, और दोनों मोमबत्तियाँ सहजता से जल रही हैं। अब मैं एक चम्मच से सावधानी से मोमबत्तियों की लो से बचाते हुए इसमें बेकिंग पाउडर डालूँगा। देखिएगा, एक मोमबत्ती छोटी एक बड़ी, दोनों जल रही हैं, और छोटी बड़ी क्यों इसका भी कारण समझाएंगे, और मैं सावधानी से इसमें बेकिंग सोडा डालता हूँ। देखिएगा, बेकिंग सोडा डालते ही नीचे से बुलबुले निकलने शुरू होते हैं, गैस बननी शुरू होती है, और पहले पहली मोमबत्ती बुझती है और उसके बाद दूसरी भी बुझ जाती है। ऐसा क्यों हुआ? अब देखिए, यहाँ इतनी सहजता से मोमबत्तियाँ जल रही थी, ये बुलबुले निकल रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया हुई और दोनों मोमबत्तियाँ बुझ गई, पहले छोटी फिर बड़ी। अभी इस जार के अंदर मैं जलती हुई मोमबत्ती इस जार में ले करके जाऊँगा। देखिए कितनी आसानी से मोमबत्ती जल रही है, लेकिन जैसे ही जार में जाएगी तो ये बुझ जाती है। तो प्यारे बच्चों, यह कारण क्या है? यहाँ इस बीकर में नीचे सिरका भरा हुआ है, और
छोटी मोमबत्ती जल रही थी, यहाँ ये बड़ी मोमबत्ती जल रही थी। जैसे ही हमने इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाला, रासायनिक अभिक्रिया शुरू होती, बुलबुले बन रहे थे। और बुलबुले बन रहे थे रासायनिक अभिक्रिया से, दोनों की जब होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनते बनते एक परत बनती है। वायु से भारी गैस होने के कारण वह उड़ करके बाहर नहीं निकलती, उसकी गति बाहर की तरफ न हो करके वह यहीं जमा होती है। और जैसे जैसे वह गैस जमा होते होते पहले छोटी मोमबत्ती के स्तर तक पहुंचेगी, तो पहले छोटी मोमबत्ती बुझेगी। क्यों? क्योंकि वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ जमा हो करके इसको मिलने वाली ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर देती है, वह ऑक्सीजन को परे धकेलेगी और स्वयं कंबल की तरह से इसको ढक लेगी, ये मोमबत्ती बुझ जाती है। उसके बाद और कार्बन डाइऑक्साइड गैस नीचे से बनती है, उसके बाद दूसरी मोमबत्ती बुझ जाती है, और जार के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई है। खुला होने के बाद भी वह गैस बाहर नहीं निकलती, क्योंकि वह हवा से भारी है। इसीलिए जब हम तीसरी जलती हुई मोमबत्ती इसके अंदर लेकर के जाते हैं तो वह बुझ जाती है। जबकि प्रयोग के आरंभ में हम उस जलती हुई मोमबत्ती को इसके अंदर लेकर के गए थे, इसको जलाने के लिए, इसको जलाने के लिए, तो वह स्वयं भी जल रही थी, इन्हें भी जला दिया था, इन्हें भी दीप्त कर दिया था, लेकिन प्रयोग के बाद वह स्वयं भी बुझ गई। इससे सिद्ध होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस दहन की प्रक्रिया को रोकने का काम करती है, और इसी प्रकार की प्रक्रिया हमारे अग्निशामक यंत्रों में प्रयोग की जाती है। और अग्निशामक यंत्रों में सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ साथ पोटाशियम बाइकार्बोनेट का भी प्रयोग किया जाता है, और इसके प्रयोग का एक विशेष कारण और है। यह हमारे अन्य पदार्थों पर, घरेलू उपयोग के पदार्थों पर, विद्युत उपकरणों पर नुकसान भी नहीं पहुंचाता। इसके अंदर दोनों रसायन पृथक रूप से अलग अलग रखे हुए हैं। जैसे ही हम इसको दबाएंगे दोनों की अंत्यक्रिया आरंभ होती है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलनी आरंभ हो जाती है। प्यारे बच्चों, दुर्घटनाएं कहीं भी कभी भी हो सकती हैं, इसलिए हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। हमारे सामान्य घरों में इस प्रकार के अग्निशामक उपकरण उपलब्ध नहीं होते, तो हमारी सरकार द्वारा एक व्यवस्था की गई है, लगभग सभी नगरों के अंदर या गांव के आसपास अग्निशामक केंद्र स्थापित किए गए हैं। हमें इस प्रकार की कभी भी हो सकने वाली दुर्घटनाओं में सहायता प्राप्त करने के लिए अग्निशामक केंद्रों का फ़ोन नंबर सदैव याद रखना चाहिए, या ऐसे स्थान पर लिख देना चाहिए जो सबकी नज़र पड़े और किसी आपात स्थिति में उनको कॉल की जा सके। प्यारे बच्चों, ये पूर्णतः निःशुल्क होते हैं और आपात स्थितियों में काम करने के लिए सदैव तत्पर होते हैं। आप चित्र में भी देख रहे होंगे, इन्हें इस प्रकार की अग्नि की, दहन की आपात स्थितियों के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, इनकी विशेष परिधान होते हैं, इनके पास विशेष उपकरण होते हैं ताकि वे शीघ्रता से आग को नियंत्रित कर सकें। तो प्यारे बच्चों, हमने दहन के बारे में, दहन को नियंत्रित करने के बारे में बहुत सी बातें सीखी। हमने विभिन्न प्रकार के पदार्थों का दहन भी देखा। क्या सभी दहन एक जैसे होते हैं? मोमबत्ती की ज्वाला को हमने देखा, वह पीली लौ के साथ जलती है। हमारे घर में गैस के बर्नर, हमारी प्रयोगशाला के बर्नर, वो नीली लौ के साथ जलते हैं। हमारे घरों में लाइट जाने के बाद प्रयोग होने वाला लैंप, उसकी ज्वाला अलग तरह की होती है। कोयला केवल हल्की मध्यम रोशनी के साथ बिना ज्वाला के जलता है। मैग्नीशियम रिबन की ज्वाला को हमने देखा, वह बिल्कुल श्वेत चमकदार ज्वाला होती है। तो प्रत्येक पदार्थ के दहन की ज्वाला भी अलग अलग होती है। प्यारे बच्चों, कुछ पदार्थ ज्वलन ताप को प्राप्त करके जलते हैं, वो सामान्य दाह्य पदार्थ होते हैं। कुछ
बहुत ज्वलनशील पदार्थ होते हैं जो सामान्य थोड़ा सा ताप मिलते ही जलने लग जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम, डीजल, एलपीजी, सीएनजी आदि। और कुछ पदार्थ अपने आप दहन करने लगते हैं, जैसे फास्फोरस आदि। तो इस प्रकार से हमें विभिन्न पदार्थों का उपयोग करते हुए दहन के प्रति उनकी क्रियाशीलता का भी बोध होना चाहिए, उनकी भी जानकारी रखनी चाहिए, तभी हम सावधानी से बिना दुर्घटना के उनका उपयोग कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अपने आप जो पदार्थ जलते हैं उन्हें स्वतः दहन कहा जाता है। कुछ पदार्थ जलते हुए तेज आवाज करते हैं, उसे विस्फोट कहा जाता है। दिवाली आदि पर्वों के अवसर पर आपने पटाखे तो खूब छोड़े होंगे, वो विस्फोट होता है। आइए अब हम मोमबत्ती की ज्वाला का अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चों, देखिए ये मेरे पास एक मोमबत्ती है और उसकी एक ज्वाला ये विशेष आकृति की है। प्यारे बच्चों, ज्वाला के नीचे आप देखेंगे कि बीच में एक धागा है, धागे के नीचे मोम, और यह एक बार जलना शुरू होने के बाद मोम धीरे धीरे पिघलता है और यह धागे के बीच की स्थानों से धीरे धीरे पिघलकर ऊपर चढ़ता रहता है और इस प्रक्रिया में मोम का दहन होता है। लेकिन मोम का दहन कैसे होगा? पहले मोम ठोस से तरल बनेगा, तरल से फिर गर्म होकर के वाष्प बनता है और वाष्प का दहन होता है। और देखिएगा, ज्वाला को अब जब ध्यान से देखेंगे, ये धागा हमारा काले रंग का और धागे के ऊपर लो के आकार के ही अंदर का क्षेत्र काला होता है। यह काला क्यों होता है? इस काले के अंदर वाष्प के जो अधजले कण होते हैं, देखिएगा मोम एक कार्बनिक पदार्थ है और जलने के बाद यह कार्बन में परिवर्तित होता है, कार्बन जलता है। तो यहाँ पर धागे के पास का जो काला क्षेत्र है, इसको काला तलमंडल भी कहते हैं, यह अधजले कार्बन के कणों का क्षेत्र है। इसके लिए हम एक प्रयोग कर सकते हैं। एक स्लाइड लें, मेरे पास एक पूर्णतः पारदर्शी कांच की स्लाइड है और देखिए अब बिल्कुल साफ है। मैं इसे धीरे से इस काले तलमंडल के पास लेकर के जाता हूँ तो देखिएगा इसके ऊपर इस प्रकार की आकृति बनती है, यानी ये अधजले कार्बन के कण चारों तरफ जमा हो गए हैं। इनका अभी पूर्णतः दहन नहीं हुआ था, केवल आंशिक दहन हुआ। यह हमारी मोमबत्ती की ज्वाला का बीच का भाग है और यह कम गर्म भाग होता है मोमबत्ती का। वैसे तो मोमबत्ती सारी गर्म है, हमें कहीं भी हाथ लगा करके ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो सारी ज्वाला है उसका यह सबसे कम गर्म भाग है। इसके लिए आप ये प्रयोग कागज़ से भी कर सकते हैं। देखिएगा, मेरे पास एक फिल्टर पेपर, छन्ना कागज, इसको भी मैं अगर लो के अंदर लेकर के जाता हूँ यहाँ पर, तो इसमें भी जलने की बजाय इसी प्रकार का यह कार्बन का छल्ला बन जाता है। तो ये अधजले कार्बन के कण इसके ऊपर जमा हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, इन अधजले कार्बन के कणों का पूर्ण दहन बाहर के मंडल में होता है। इन अधजले कार्बन के कणों को हम बाहर निकाल करके अतिरिक्त अलग से ज्वाला भी कर सकते हैं। जैसे आप चित्र में देख रहे होंगे, एक पाइप कांच की ट्यूब पतली और इस अधजले क्षेत्र के अंदर लगा दी गई है। तो अधजले कार्बन के कण गर्म होने के कारण हवा के रूप में बाहर निकलते हैं और वहाँ हम माचिस की तीली लगाएंगे तो वह भी जलने लग जाते हैं। इसका अभिप्राय यहाँ से अधजले कार्बन के कण, बचे हुए कार्बन के कण हमारी ट्यूब से बाहर आए, नली से बाहर आए और वहाँ पर उनका पूर्ण दहन हुआ। क्या मोमबत्ती की ज्वाला की सभी सतहों का ताप एक जैसा होता है? नहीं, हमने बताया आंतरिक काला मंडल, अंदर का धागे के साथ का सबसे पहला मंडल, सबसे पहली सतह जो काली दिखाई देती है, जिसमें अधजले कार्बन के कण होते हैं, उसका तापमान कम होता है। उसके बाहर का जो चमकदार मंडल है,
चमकदार क्षेत्र जो दिखाई देता है इसका ताप बहुत अधिक होता है। इसके अंदर जो अंदर के क्षेत्र के कार्बन के बिना जले कण थे वो बाहर निकल करके उसका दहन करते हैं। और देखिएगा मोमबत्ती की ज्वाला के नीचे का भाग हमें नीला दिखाई देता है। यह इस मोम के कणों के दहन की प्रक्रिया आरंभ यहाँ से होती है उसका सूचक है। मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे ऊपर का जो भाग होता है वह पूर्ण दहन का क्षेत्र होता है जिसमें पूरा का पूरा दहन होता है और सबसे चमकदार भाग होता है। लेकिन सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा होता है प्यारे बच्चों? सबसे अधिक गर्म भाग मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे ऊपर जो ज्वाला हमें दिखाई दे रही है उसके ऊपर का भाग यानी अदृश्य जो ज्वाला के ऊपर ज्वाला तक का तो हमारा पूर्ण दहन का उससे ऊपर का वो ज्वाला का सबसे ऊपरी सिरा सबसे अधिक गर्म होता है। आप ऊपर अगर हाथ करके देखेंगे तो उसमें हाथ भी जल सकता है। आपने जो स्वर्णकार होते हैं सोने के आभूषण बनाते हैं उनको कभी काम करते हुए देखा हो तो वो अपने बर्नर की जो ज्वाला है उसके ऊपरी भाग को एक ब्लोवर से या फूंक मार करके अपने आभूषण की तरफ मोड़ते हैं और उस ज्वाला के ऊपरी भाग से आभूषण बनाने के लिए आवश्यक ताप को वो प्राप्त करते हैं। प्यारे बच्चों हमने मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न भागों के बारे में जानकारी प्राप्त की और उसके किस भाग का तापमान अधिक है किसका कम है उसके बारे में जाना। प्यारे बच्चों क्या सभी पदार्थों का जब दहन होता है सबकी क्षमता एक जैसी होती है? नहीं, सभी पदार्थों की ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता गर्मी प्रदान करने की क्षमता अलग अलग होती है। उनकी तुलना कैसे करेंगे कि किस पदार्थ से हमें ज़्यादा गर्मी मिल रही है ज़्यादा ऊष्मा मिल रही है किससे कम? इसके लिए हम एक पैमाना बनाते हैं कि हम एक किलोग्राम ए एक किलोग्राम बी एक किलोग्राम सी इस प्रकार से और प्रत्येक पदार्थ की सहती समान जलाने पर कितनी गर्मी प्राप्त होती है उसे उस ईंधन की क्षमता कहा जाता है। इस प्रकार से एक ईंधन की क्षमताओं की सारिणी हमारी पाठ्य पुस्तक में भी दी गई है। प्यारे बच्चों इस दृष्टि से जो पदार्थ समान सहती में जलाए जाने पर अधिक ऊष्मा प्रदान करता है उसे ही हम अच्छा ईंधन मानते हैं। इस दृष्टि से हमारी पेट्रोलियम गैस LPG CNG बहुत अच्छे ईंधन हैं। यह राख और अवशेष भी नहीं छोड़ते, प्रदूषण भी कम करते हैं। प्यारे बच्चों प्रत्येक दहन में प्रदूषण होता है लेकिन जब प्रदूषण प्रत्येक दहन करेगा तो न्यूनतम प्रदूषण जो होगा वो हमारा अच्छा ईंधन माना जाता है। तो हमारी गैसों के दहन में न्यूनतम प्रदूषण होता है क्योंकि उनमें पूर्ण दहन होता है। हम उपलों को जलाएं, लकड़ी को जलाएं, एक किलो लकड़ी को जलाएंगे तो उसमें राख अवशेष बचते हैं, अजले कार्बन के कण धुएं के रूप में ऊपर जाते हैं जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। जबकि LPG CNG के अंदर हमारा पूर्ण दहन होता है, कोई भी अवशेष राख आदि नहीं बचता, अजले कार्बन के कणों की क्षमता भी पर्यावरण में जाने की बहुत कम होती है, इसलिए उन्हें अच्छा ईंधन माना जाता है। प्यारे बच्चों कुछ ईंधनों की क्षमता मैं आपको बता रहा हूं। गोबर के उपले उष्मीय मान है 6000 किलो जूल से 8000 किलो जूल, लकड़ी का 17000 किलो जूल से 22000 किलो जूल, कोयला 25000 से 33000 किलो जूल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल इनकी क्षमता 45000 किलो जूल, मीथेन, CNG इनकी क्षमता 50000 किलो जूल, LPG 55000 किलो जूल। यानी हमारे घरों में जो ईंधन प्रयोग किए जा सकते हैं उनमें सबसे अधिक ऊष्मा प्रदान करने वाला हमारा LPG है, इसीलिए LPG को श्रेष्ठ ईंधन माना जाता है। और प्यारे बच्चों हाइड्रोजन ईंधन ऐसा ईंधन है जो सर्वाधिक क्षमता प्रदान करता है। वह
लगभग 1.5 लाख किलो जूल प्रति किलोग्राम इतनी ऊर्जा हमें प्रदान करता है, लेकिन यह घरों के अंदर प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें विस्फोट की भी संभावनाएं होती हैं और यह बहुत महंगा ईंधन है। इसलिए जहां पर कम भार के ईंधन की आवश्यकता में बहुत अधिक ऊष्मा की, बहुत अधिक गर्मी की आवश्यकता हो, वहाँ ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। जैसे बताया कि ईंधन कोई भी हो, कम या अधिक प्रत्येक ईंधन प्रदूषण फैलाता है। किसी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, किसी से कार्बन मोनोऑक्साइड, किसी से सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी गैसें पर्यावरण को हानि पहुंचाती हैं। कुछ हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती हैं, कुछ हमारी ओजोन परत को ख़राब करती हैं, यानी किसी न किसी रूप में हानि पहुँचाती हैं। और हमारे ईंधन लगभग सभी समाप्त प्राय संसाधन हैं, यानी हम बहुत अधिक उनका दोहन करेंगे, उपयोग करेंगे तो वो समाप्त हो सकते हैं और भविष्य में आने वाली हमारी पीढ़ियों की आवश्यकताओं के लिए हो सकता है कि हम आपूर्ति न कर पाएं। इसीलिए हमें हमारे ईंधनों का सीमित प्रयोग करना चाहिए और उचित प्रयोग करना चाहिए और बहुत कम प्रदूषण वाले ईंधनों का प्रयोग करना चाहिए। उम्मीद है बच्चों आपको यह विषय स्पष्ट हो गया होगा। आप अपनी पाठ्य पुस्तक की समस्त पाठ्य सामग्री के सभी बिंदुओं का गहन अध्ययन करें और अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर लिख करके अपने शिक्षक या शिक्षिका से जांच करवाएं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर एक नए पाठ के साथ, नए विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक बाय।